गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फाइनल सिलेक्शन। और आज हम एसएससी सीएचएसएल में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में आदिवासी भाषा सेके बोली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, नेपाल में सेके भाषा बोली जाती है। और ये नेपाल के 100 जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी, लेकिन इसे यूनेस्को द्वारा लुप्त भाषाओं में रखा गया है और इसे बोलने वाले सिर्फ 700 लोग बचे हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भुगतान बैंक के ग्राहकों को व्यापक कार बीमा की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ इसने भागीदारी की है। ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है और ये लोगों को कार इंश्योरेंस प्रदान करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, रणजीत सिंह देसाले। रणजीत सिंह देसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया था और ये महाराष्ट्र से हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको लड़कियों के लिए या गर्ल्स के लिए शिक्षा में अपने विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव समाचार में था, इसे किस देश ने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसे जापान ने प्रस्तावित किया था और ये एक ट्रेड या व्यापार से संबंधित रेजिलियंस था और जापान भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध यात्री ने राजा हर्षवर्धन और राजा पुलकेशिन द्वितीय दोनों का दौरा किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग ने दोनों का दौरा किया था और ये 7वीं ईस्वी में, वेनसांग 7वीं ईस्वी में भारत आया था और 15 साल तक भारत में रहा। वेनसांग को भारत आने में लगभग 16 साल लगे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में राजेंद्र चोल को जाना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है आपका, राजेंद्र चोल को दक्षिण भारत का नेपोलियन जाना जाता है और इनको इनके सैन्य अभ्यासों के लिए या सैन्य विजयों के लिए नेपोलियन जाना जाता था। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और इसे जीत लिया था और इसके बाद इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और इसे भी जीत लिया था, इसीलिए इनको नेपोलियन कहा गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के अधिनियम के अंतर्गत एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है और इसी अधिनियम के दौरान सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पूरी महिला गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मातंगिनी हाजरा, ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है, इन्हीं को बूढ़ी महिला गांधी के रूप में जाना जाता है। यह एक क्रांतिकारी थी और इन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था और इनको मिदानपुर जिले के तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी ब्रिटिश आर्मी द्वारा। तो इनकी हत्या ब्रिटिश आर्मी द्वारा कर दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। प्रीति लता वार्डेर, तो यह बंगाल की पहली महिला शहीद थी। अगली सरोजनी नायडू, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थी और गांधी जी ने इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया से सम्मानित किया था, इन्होंने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिक विभाजन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1921 को जनसांख्यिक विभाजन वर्ष कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि हवा से होकर हमारे कानों तक पहुँचती है और हमें क्या प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ध्वनि की अनुभूति प्रदान करती है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और जो ह्यूमन ईयर्स द्वारा सुनी जाती है जो ध्वनि, या जो मानव कानों द्वारा सुनी जाती है जो ध्वनि, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और उस ध्वनि को श्रव्य तरंगों से हम नामित करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक ऑडरलेस गैस है या गंधहीन गैस होती है, इसकी कोई भी खुशबू नहीं होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 40 गुणसूत्र होते हैं। मेल में एक्स वाई क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जबकि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक के 23 जोड़े हमें पाए जाते हैं मानव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर प्रोग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर को नेविगेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में चर्चित सोलर विंड हैक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्दाफाश किया गया एक साइबर हमला है यह। तो ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है, और इसे अमेरिका की एक कंपनी फायर आई के द्वारा इसका पर्दाफाश किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चिन्हांकित शब्द या वाक्य को रेखांकित करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी लाइन के नीचे आपको अंडरलाइन करनी हो तो हम कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, असम में इस मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय शाहाना कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, शाहाना उच्च अधिकारी जो बाजार में मूल्य नियंत्रण देखते थे। तो ऑप्शन फोर्थ एकदम सही आंसर है, यह वह अधिकार हुआ करता था जो मार्केट में मार्केट प्राइस पर नियंत्रण रखता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यह बम्बई में 1885 में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी, और इसमें केवल 72 लोगों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शुक्र या वीनस ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, या सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है वीनस को, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे गर्म प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि इस पर CO2 की मात्रा लगभग 85 से 89% तक है, इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये राजघाट जो परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अंतरराज्य या सम्मिलित परियोजना है। तो बढ़ते हैं आगे, लवकुश बांध। लवकुश बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, रेहंद बांध रेहंद नदी पर बनाया गया है जो कि यूपी में है, और शारदा बांध शारदा नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की एक अखंड मूर्ति किस झील से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हुसैन सागर झील से बुद्ध की अखंड मूर्ति संबंधित है। हुसैन सागर झील को 1592 ईस्वी में 1562 ईस्वी में हुसैन शाह वली द्वारा बनाया गया था। हुसैन सागर लेक को या हुसैन सागर झील को 1562 ईस्वी में हुसैन शाह वली द्वारा बनाया गया था, और यह हैदराबाद में है, और यह हैदराबाद और सिकंदराबाद दो शहरों को आपस में जोड़ती है। लखनवरम झील को यह वारंगल में है, पलायर झील ये खम्मम में है, और पाखल झील ये भी वारंगल में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र फसल भूमि में आता है, जो कि 50% है। इसके बाद वन का नंबर आता है या फॉरेस्ट का नंबर आता है, जो कि 23% है, 23% है। इसके बाद चारागाह जो कि 4 से 5% तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश के जनसंख्या पिरामिड द्वारा रेखांकित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा कुल जनसंख्या का आकार, ये पिरामिड द्वारा रेखांकित नहीं किया जा सकता है। बाकी निर्भरता अनुपात, जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या के भीतर लिंग वितरण, ये सभी पिरामिड द्वारा रेखांकित किए जा सकते हैं, लेकिन कुल जनसंख्या आकार पिरामिड द्वारा नहीं रेखांकित किया जा सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 93 या 93 देसी रियासतों के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या थी। 389 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के अधीन थी और 93 देसी रियासतों के अधीन थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, नेत्र श्लेष्म लाशोथ मुख्य रूप से किससे संबंधित एक संक्रमण है? तो ये आँख से संबंधित एक संक्रमण है और इस संक्रमण के दौरान आँखें लाल पड़ जाती हैं और आँखों में दर्द रहने लगता है और पलकें चिपक जाती हैं। यह रोग वायरस और बैक्टीरिया दोनों से फैलता है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।